एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू आर ऑल्सो फैंटास्टिक। सो अभी टाइम हो चुका है 5:05 और अभी से स्टार्ट करते हैं अपने एक वर्किंग डे की। और आज का दिन बड़ा ही सुहाना है, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं तैयार हो रहा हूँ, तैयार होने के बाद मुझे पढ़ना है, और पढ़ने में आज क्या पढ़ना है सुबह से उठ करके, तो पढ़ना है मुझे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ना है। 2 चैप्टर मैंने पहले से ही कम्प्लीट कर लिए हैं, तो चलिए फिर निकाल लेते हैं और इसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज मेरी जो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि अभी जो है मेरे पास है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले पढ़ लिया है, लेकिन ये बुक जो है पहले मैंने कंप्लीट कर ली है, लेकिन तब भी एक बार रिवीजन मारनी है इसकी, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है और मेरे 5 अगस्त से एग्जाम है, तो एग्जाम की तैयारी मुझे करनी है बिल्कुल क्रिएटिव डे के साथ, क्रिएटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि अपने पास एनर्जी होनी चाहिए और इसके बाद फिर और अच्छे तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। तो आज पढ़ूंगा मैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन पढ़ूंगा। तो इलेक्शन कमीशन का चैप्टर मैंने निकाल लिया है और इसको पढ़ता हूँ। हालांकि पहले पढ़ लिया है मैंने और पढ़ा भी रखा है, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, देखिए कभी भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि डाउट है भाई तब भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें अपने डाउट बिल्कुल क्लियर करने चाहिए, क्योंकि पढ़ते ही इसीलिए हैं कि हमारे डाउट जो हैं वो सब क्लियर हो जाए, और इसके बाद में तभी हम एग्जाम में सही से लिख सकते हैं। तो मेरा एग्जाम है, जैसा कि आप सभी को बता दिया मैंने, तो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मतलब आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं अभी, तो मैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। तो फर्स्ट ईयर का मेरा एग्ज़ाम है सेकेंड सेमेस्टर का, तो एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं थर्ड सेमेस्टर में आ जाऊँगा। तो अभी इसका एग्ज़ाम है 5 अगस्त से, इसके बाद में फिर आप सभी को पता है जैसे कि फिर क्या होगा भाई। 2024 में मेरा अटैम्प्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि 2000 कब है आपका अटैम्प्ट, तो मैं बता दूं उनको भी कि मेरा अटैम्प्ट जो है 2024 में होगा। और मेरे पास ऑप्शनल क्या है, ऐसे भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास ऑप्शनल क्या है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज ऑप्शनली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाता है और आपकी कहीं ना कहीं रैंक बनवाता है, ठीक है। तो मेरा जो ऑप्शनल है वो PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। आप सभी को पता होगा राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दिया है। तो इसको कंप्लीट करूँगा आज, इसको कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा इसके बाद फिर मुझे पढ़ना है न्यूज़पेपर, तो द हिंदू पढ़ना है और इंडियन एक्सप्रेस भी उसी में आ जाती है, ठीक है। तो एक वीडियो देखता हूँ करीब 1 घंटे 16 मिनट की, 1.25 घंटे की करीब होती है, तो वो वीडियो जो है उसी में मेरी द हिंदू कंप्लीट हो जाता है, इंडियन एक्सप्रेस भी। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद फिर मुझे पढ़ना है द हिंदू न्यूज़पेपर। तो द हिंदू की वीडियो भी आ चुकी है 26 मिनट पहले, तो इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको चालू करते हैं और स्टार्ट करने के बाद में इसको पढ़ूंगा एकदम कंसिस्टेंसी के साथ और पूरे लगन के साथ, क्योंकि एकदम दिमाग जो है डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। बाकी वीडियो है, वीडियो क्या है कि हम लोग लगा के छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीडियो एक ऐसी चीज़ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब क्वेश्चन कर रहे थे मेरे पास और मैसेज भी कर रहे थे, बोल रहे थे कि मतलब आप वीडियो भी बना लेते हो साथ में और सब कुछ कर लेते हो, ऐसे कैसे कर लेते हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन मोबाइल को पीछे लगा के रख देता हूं और मुझे कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और वैसे लोग कहते हैं कि अरे वीडियो एडिट करते हो या क्या करते हो, ये तो ये सब मतलब बोलते हैं, मतलब कुछ भी बोलें, लेकिन एक बात बता दूं आपको कि ये जो है मेरी हॉबी है, ठीक है। 2 साल से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, हालाँकि सक्सेस नहीं हुआ हूँ वो बात अलग है, लेकिन मेरी हॉबी है, मुझे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ये सब कुछ मुझे आता है। अगर मैं वीडियो ना बनाऊं तो मेरी जो हॉबी है या मेरी जो स्किल है वो मतलब पीछे छूट जाएगी। तो मेरी जो स्किल है उसको मैं कहीं ना कहीं बरकरार रखना चाहता हूं, ठीक है, उसको कहीं खोना नहीं चाहता, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब कोई चीज़ सीख जाते हैं लेकिन उसको जो है भूल जाते हैं फिर बाद में, ठीक है। तो लेकिन मैं इसको भूलना नहीं चाहता, मैं इसको रखना चाहता हूँ, ताकि अब कैसे भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बाकी हम लोग क्या है कि जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको पता तो होगा ही कि UPSC की तैयारी किस प्रकार से करनी होती है, ठीक है। अभी मैं अगर फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में आऊँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तैयारी तो मैं कर ही रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में अगर हम 6 घंटे सोने में या 5 घंटे सोने में, हालांकि 5 घंटे सोता हूँ, ठीक है, और 5 घंटे सोने के बाद 2 घंटे अगर यूट्यूब को दे दूँ तो मेरा क्या जाता है, कुछ नहीं जाता ना, तो फिर मैं दे सकता हूँ। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करता हूँ इंडियन पॉलिटी, वो भी मेरी करंट अफेयर खत्म हो चुकी है, मैं आ गया हूँ लाइब्रेरी में, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी पढ़ता हूँ, तो इंडियन पॉलिटी में आज पढ़ना है मुझे जुडिशियल एक्टिविज़म, और इसके बाद में इसका नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ना है मुझे, नेक्स्ट चैप्टर भी उसको भी कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में फिर मिलता हूँ आप सभी को, तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में।
तो जैसा कि गाइस ये मेरी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद मुझे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है इंडियन पॉलिटी में ही, और इस चैप्टर का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं मिलता हूँ आप सभी को, तो चलिए फिर कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए आप सभी को पता है इसके बाद ये हमारा जो है खत्म हो जाएगा, और इसके बाद फिर आईवी पार्ट में आएंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट कंप्लीट करेंगे, इसके बाद गवर्नर चैप्टर आएगा, तो ये कंप्लीट करेंगे अगले दिन से। तो अगले दिन आपका शानदार ब्लॉग आने वाला है, आज का ब्लॉग जो छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलता हूँ आपको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। तो दोस्तों मेरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।